सहारनपुर जिला कारागार में उस वक्त भगदड़ मच गई जब कारागार के अंदर बैरक में दो कैदियों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। कहासुनी इतनी बड़ी कि एक कैदी ने दूसरे कैदी को मौत के घाट उतार दिया। देखिए, ये सहारनपुर जिला कारागार है, इसमें दो बंदी निरुद्ध थे, एक का नाम आजम है और एक का नाम अनवर है। आजम सिद्ध दोष बंदी है जिसको आजीवन कारावास हुआ था और उसका मानसिक संतुलन कुछ ठीक नहीं था, उसको आइसोलेशन में रखा गया था। और दूसरा जो बंदी है अनवर, इसका नाम है, वो अंडर ट्रायल है। उस पर भी धारा 302, 201, 304 भी इनके अभियोग पंजीकृत है, लेकिन ट्रायल चल रहा है। किसी बात को लेकर के आज दोनों में विवाद हुआ है जो प्रथम दृष्टया पता चला, और उस बात को लेकर जब तक इनको खोला जाता है, इनके बैरक को, इनके चैम्बर को, तब तक जो है पता लगा कि उसकी मृत्यु हो चुकी थी आजम की। तब इसमें जैसा कि नियम है, इसमें जुडिशियल इंक्वायरी कराई जा रही है। इससे पहले उसके बारे में, कारण के बारे में बहुत ज़्यादा खुलासा करना मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि सीनियर अफसर जुडिशियल इंक्वायरी करेंगे। इसमें आजम का शव जो है पोस्टमार्टम के लिए पैनल से पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, उसको भेजा गया, जिसके बाद मृत्यु का असली कारण स्पष्ट होगा। सर, अभी प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है, किसी हथियार से या गला घोट कर, किस तरह से? नहीं नहीं किसी हथियार से नहीं, प्रथम दृष्टया ये जो प्रतीत हो रहा है कि संभवतः गला घोट के या उसका श्वास अवरोध करके, क्योंकि जो देखने वालों ने बताया कि वो वहाँ पर जब तक उसका गेट खोलते वो ज़मीन पर गिरा हुआ था और ये उसके ऊपर बैठा हुआ था जैसा कि बताया। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि स्पष्ट रूप से पोस्टमार्टम के बाद ही ये कारण स्पष्ट हो पाएगा।